हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नियति शर्मा ब्लॉग पर। जैसे कि है ये सेकंड ब्लॉग, हम जा रहे हैं बरसाना। बरसाने जा ये जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, इतनी टफ होती हैं, बस चढ़ते चलते हालत ख़राब हो जाती है मेरी तो। नैतिक और नैतिक के पापा सब आराम से चढ़ जाते हैं, बस मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ संडे को लेकर, कुछ कहते हैं होली भी आने वाली थी, उसके लेके इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। एक आज ना होली भी खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इधर देखो, लड्डू पूरी तरह से लगी पड़ी है अपने, और बहुत से लोग पैदल भी परिक्रमा वो बरसाने की वो कर रहे थे, बट जा रहे थे जो जाते हैं। लाडो देखो, इधर लगी पड़ी है फ्रूटी में, मस्त करके लगी पड़ी है। ऐसे कोई टेंशन नहीं, इधर हमने मंगा लिया था प्रसाद, क्योंकि भंडारा भंडारे जगह जगह हो रहे थे। हमें रिक्शे वाले भैया ही नहीं बोला कि हम ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पे थोड़ा सा अच्छा टेस्ट मिले। यानी प्रसाद तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना, रिक्शे वालों को पता था। इधर मेरा अमरूद खाने का मन कर गया था, मैं क्या अमरूद खाऊंगी, तो मैं इधर खा रही हूँ अमरूद। और इधर हम गए निधिवन, उसके बाद निधिवन में वीडियो अलाउ नहीं थी, फिर भी मैंने थोड़ी सी बनाई, क्योंकि बंदर फ़ोन छीन के ले जाते हैं। बहुत ज़्यादा बंदर है जो जाल में से भी आके फ़ोन छीन के जा रहे थे। और ये सामने है जमुना जी, निधिवन से निकलते सामने जमुना जी, जिसमें कृष्ण भगवान कहते 3 दिन तक लड़े थे शेषनाग से। इधर पी इधर नैतिक को थोड़ी सी भूख लगी थी, तो वो भटूरा खाया था। फिर शाम हो गई, शाम को हम रुके ही थे इस मारे कि हमें प्रेम मंदिर जाना है। प्रेम मंदिर को मुझे शाम को देखना था, मेरे मन में था प्रेम मंदिर जो रात में देखने में मजा है ना, सच में कह रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत लाइटिंग इतनी प्यारी है इसकी, बस मुझे लगता है कि देखते रहो देखते रहो। मास्क तो उतारो, इधर हम जा रहे थे, इधर मैं कह रही हूँ मास्क तो उतार लो, मास्क लगाया अपने। सब जगह घूमे वो, अब वो ये बहुत अच्छी अच्छी इस तरह से बहुत ही देखने वाली चीजें हैं, अच्छी अच्छी लगती हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी सीन है वहाँ पे देखने के लिए। और हम निकल के पहुँच गए खाना खाने के लिए, क्योंकि रात घर पहुँचते पहुँचते इतने लेट हो गए। हम 12:30 बजे घर पहुँचे थे, लड्डू और नैतिक पूरी तरीके से थक चुके थे। और इधर कहते हम खा रहे हैं खाना, खाना खा बस मोस्टली हो ही गया खाना, मेरा तो हो गया था, दोनों खा रहे थे, मेरा भाई नैतिक के पापा। बस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स, थैंक यू सो मच।